मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में जो सड़कों पर रहने वाले कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनके मदद के लिए खास तौर पर जो मुजना है, टीचर भी हैं, ये खास तौर पर आगे आती हैं। चाहे इसे घायल कुत्तों के बारे में जानकारी मिले, चाहे बिल्लियों के बारे में जानकारी मिले, ये फौरन उनके मदद के लिए अपने पैसों से जो है खर्च करके उनका इलाज वगैरह करती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे से गर्मी का भी मौसम आ रहा है और जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जो भी सड़कों पर घूमने वाले जानवर हैं, खास तौर पर उन्हें प्यास जो लगती है तो पानी के लिए वे दर बदर जो है भटकते हैं। लेकिन वो दर बदर ना भटके इस वजह से इनकी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। इस तरह के जो है प्याले देखेंगे आप लेकर लाए हैं ये अपने पैसों का खर्च करके, और ये प्याले जो है मुंब्रा शहर के नाके नाके पर ये रखे जाएंगे, इसमें पानी भरा जाएगा ताकि जो भी घूमने वाले जानवर हैं वो इनमें पानी पी सके। यहाँ पर हमारे साथ मुजना मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आप, जिस तरह से आप जो भी जानवर है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, ऐसे और भी जानवरों के बारे में घायल होने की खबर आपको मिलती है, आप वहाँ भी पहुँच जाते हैं। अभी बीच में ही आपने एक गाय का भी रेस्क्यू किया था और ये खुद पैसे खर्च करके आप ये प्याले लेकर आए हैं, नाके नाके पे रखेंगे, क्या बताना चाहेंगे? ज़्यादा तो कुछ नहीं, जितना हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करते हैं जानवरों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुंब्रा में देखा गया है कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी इंसानों से भी सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट नहीं है। गाय के केस में भी उसी तरह का मामला हुआ था, आपने खुद देखा, काफ़ी मेहनत, काफ़ी पैसों के खर्च के बाद, और ऐसा नहीं कि हम हमारा ही लगाते हैं, हमारे जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, जिनको पता है कि हम एक्चुअल में काम करते हैं, वो लोग भी हमको सपोर्ट करते हैं, कुछ पैसों से ही मदद कर देते हैं, कुछ साथ में आते हैं हेल्प करने के लिए। उन सबकी मेहनत से, जो भी एनिमल लवर्स है जो हमको सपोर्ट करते हैं, आज हमने 50 प्यालों का बंदोबस्त किया है और ये 50 स्पॉट पर रखे जाएंगे। तो आपकी दुकान वालों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसमें थोड़ा पानी डालने का मतलब उतना सहयोग करें, अगर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे, और अगर ये सक्सेस हुआ तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों का सपोर्ट रहा। कोई अगर हमको डोनेशन के लिए हेल्प करता है, एक प्याला, दो प्याला, जो भी जिसकी भी जितनी कैपेसिटी है उस के हिसाब से, और हमारा पैसा हम जोड़ के उसके अंदर हम और आगे भी करें, क्योंकि गर्मी में जैसा कि आप देख रहे हैं रेबीज़ के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन रेबीज़ के कुत्ते हम उठाते हैं, उस चीज़ के वीडियोस हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे स्टेटस पे और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे, हमारे इंस्टा पे वो घूमते करके, इसलिए मुंब्रा के लोगों को हमारा काम पता नहीं चल पाता है। लेकिन जहाँ तक कि मुंब्रा में आप खुद अपने पर्सनल लेवल पे देखिए कि मुंब्रा में काम करने वाला कोई नहीं, गवर्नमेंट से तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। इवन अगर हम गवर्नमेंट वालों के ऑफिस के बाहर भी प्याले रखेंगे ना तो वो खुद भी हमको मना कर देंगे कि मैडम यहाँ मत रखिए, कुत्ते आके बैठेंगे, यानी कुत्ते भी अल्लाह की मखलूक है, अगर हम उनके लिए नहीं मेहनत करेंगे तो वो आगे जाके बीमार होकर हमको ही तकलीफ देंगे, इन्फेक्शन फैलाएंगे, रेबीज से जब वो पीड़ित होंगे दूसरों को काटेंगे तो आप लोगों को ही तकलीफ होगी। तो सब मिलकर अगर सपोर्ट करेंगे तो कैसा होगा कि सब चीज़ों में आसानी पैदा होगी, और मुंब्रा में भी कैसा इस चीज़ों के काम के लोग आगे बढ़ेंगे, हमको देख के अब लोग जुड़ने लग गए हमसे, तो हम चाहते हैं कि इनकी वैक्सीनेशन, इनके रेबीज़ के इंजेक्शन, इवन इनका जो नसबंदी वगैरह जो कराई जाती है उसमें भी हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, या हम भी कर रहे हैं तो हमको भी कोई जगह या कुछ ऐसी चीज़ों की सहूलत मिल सके जहाँ पर हम ये सब चीज़ें रख कर सकें। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है बेजुबान जानवर है, ये तो बता नहीं सकते कि उनको प्यास लगी है, भूख लगी है, आप लोग पानी का बंदोबस्त तो अभी कर रहे हैं, ये भी जानकारी मिली कि आप लोग जाके शाम के टाइम, सुबह के टाइम में उन्हें खाना वगैरह भी नाके नाके हाँ। पर देते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसा जो है गलत फील करते हैं कि यहाँ पर पानी का मटका रख दिया दुकान के सामने, यहाँ पर कुत्ते आएंगे, बिल्ली आएंगे, तो शहर में ही घूमने वाले जानवर है, अगर आप लोग भी इस तरह का बर्ताव करेंगे तो कहीं ना कहीं बेजुबान जानवर है वो भी आक्रामक हो जाते हैं। एग्जैक्टली, जब हमको भी, जब हमारा काम धंधा नहीं चलता है, ज़्यादा बारिश पानी होती है और कुछ परेशानी, तो हम खुद भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन दूसरों के उतरता है, तो ये ऐसे जानवर जिनको बैठने का ठिकाना नहीं होता, हर रोड पे हर जगह बाजार लगने लग गई है, दुकान के बाहर के एरिया भी लोगों ने घेरे हुए हैं, तो अब ये जानवर जो कम्युनिटी एनिमल्स जिनको स्ट्रे, तो गवर्नमेंट ने भी अब बोल दिया कि इनको स्ट्रे नहीं बोल सकते, जानवर हैं, इनको भी मोहब्बत की जरूरत। एग्जैक्टली, हमारे इस्लाम में भी सिखाया गया है, हर धर्म में सिखाया गया है, मुस्लिम्स में भी है, अल्लाह की मखलूक है, उसकी मदद करनी है, उसको नहीं कह रहे कि उसको पालो, उसको गोद में बिठा लो, बट खाना पीना अगर बीमार है तो आप नहीं कर सकते हो तो आप उसकी खबर दो। हाँ, ये अभी ठीक है, लोगों का क्या कहना, आप कचरा डालते हो तो गंदगी होती है, तो आप खुद देख सकते हो रिकॉर्डिंग में जब हम खड़े होकर इस पर वीडियो बना रहे हैं, इन्हें मुंब्रा के हर कोने पे आपको गंदगी दिखेगी, लेकिन अगर हम जानवरों को खाना खिलाने के लिए बिस्किट्स और कुछ चिकन मटन डाल देते हैं तो लोग इतने ऐतराज़ करने आ जाते हैं, गाली गलौज मारा मारी तक के लिए भी उतर आते हैं, इतनी उनको फुर्सत होती है इस चीज़ों के लिए। लेकिन एक बीमार अगर जानवर दिख गया और उसके लिए हमने कॉल कर दिया तो बोले हमें इतने बिजी थे, हमारे टाइम ही नहीं था, तो उस चीज़ के लिए टाइम नहीं होता, बट झगड़ा करने के लिए हर एक बंदा अवेलेबल होता है,
यहाँ काम तो आपका काफ़ी अच्छा है कि इस तरह के जो आप देख रहे हैं ये गमले जो है नाके नाके पर रखे जाएंगे, लेकिन लोग अक्सर देखा जाता है फोड़ देते हैं, कुछ शरारती लोग रहते हैं तोड़ देते हैं, तो दुकानदार भी है वो उठा के दूसरे जगह फेंक देते हैं ताकि दुकान के सामने कोई जानवर ना आए, तो ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहिए? इतना ही कहेंगे थोड़ा सा रहम करो, अल्लाह की मखलूक के आप रहम करो कि अल्लाह आप पे रहम करेगा, अल्लाह भी बोलते हैं रहम करने वालों की मदद करता है, आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपकी आपकी मदद करे, आपका आगे अच्छा हो, तो आप भी इन इंसानों तक की मदद करना सीमित नहीं है इस्लाम में, ऐसा है कि आप अल्लाह की हर मखलूक को रहम करो। अल्लाह ताला जो जानदार बनाए, जो बेजुबान है वो बोल नहीं सकते, तो हम लोग चाहेंगे इससे पहले भी 11 प्याले हम लोग ने बंटवाए थे, काफ़ी हद तक लोग उठा के ले गए, यानी झूठा देख के भी कुत्ते का झूठा तो भी लोग उठा के ले जाते हैं और फेंक भी दिए जाते हैं, कितने दुकान वाले भी इस पर्पज़ से फेंक देते हैं कि दुकान के अंदर पानी रखा रहेगा तो कुत्ते आके बैठेंगे, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इस सपोर्ट से आपको भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर कुत्ता पानी पिएगा उसको रिलैक्स फील होगा तो उसको रेबीज जैसी बीमारी से बचा रहेगा, और जब रेबीज जैसी बीमारी से बचा रहेगा तो वो दूसरों को इंसानों को तकलीफ़ कम देगा। काफ़ी अच्छा काम है, गली मोहल्ले नाके पे इस तरह के जो ये आप प्याले देख रहे हैं ये रखा जाएगा, अभी कुछ प्याले आए हैं और कुछ आना बाकी है। बहरहाल लोगों से भी यही अपील करेंगे कि इस तरह के जो प्याले हैं अगर रखा जाता है आपकी दुकानों के सामने तो उसे ना हटाए, क्योंकि बेजुबान जानवर है उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है, और हो सके तो आप भी इन प्यालों में पानी डालें ताकि जो बेजुबान जानवर हैं वो इस गर्मी के मौसम में पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें।